सर मुझे जानकारी ये चाहिए, रैपिडो में मेरा दोस्त का 5,000 का चालान कटा है, मेरे पास स्लिप भी है, मैसेज भी है सारा। तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे देशवासियों, दोस्तों जो मेरा रैपिडो में 5,000 का चालान कटा था, मैं अभी रैपिडो कस्टमर केयर से बात करता हूँ कि क्या रैपिडो कस्टमर केयर 5,000 रुपये रिफंड देती है या नहीं देती है। इससे पहले जो मेरा दोस्त का 5,000 का चालान कटा था रैपिडो में, वो भी कस्टमर केयर से काफी बार बात किया, और रैपिडो का कस्टमर केयर ये बता रहे थे कि जब आपका उसी टाइम जो चालान कटा था आपको उसी टाइम कॉल करना होता है। अगर आप उसी टाइम कॉल करते तो हम उनसे बात करके छुड़वा देते, या उसी टाइम आपको पेनाल्टी हम पे करते। आप उस टाइम पे मेरे से बात नहीं किए, इसलिए इसमें आपका कोई मदद नहीं किया जाएगा। जो मेरा दोस्त रैपिडो कस्टमर केयर से बात किया था, कस्टमर केयर ये बता रहे थे, और मैं अभी लगाता हूँ कस्टमर केयर के पास। मेरे पास सारा स्लिप है, मैसेज भी है, जो चालान कटा था उस पर फेयर चार्ज वगैरह सारा कुछ मेंशन है। तो मैं अभी कस्टमर केयर के पास लगाता हूँ और देखता हूँ कि क्या कह रहे हैं कस्टमर केयर। सर मुझे जानकारी ये चाहिए, रैपिडो में मेरा दोस्त का 5,000 का चालान कटा है, मेरे पास स्लिप भी है, मैसेज भी है सारा कुछ है मेरे पास, और उस पर फेयर चार्ज भी लिखा हुआ है, तो सारा कुछ मेंशन है। अभी तक आप लोगों के द्वारा कोई मदद नहीं मिला है। हाँ जी, आप लोगों को भेजा गया है। जी हाँ जी, होल्ड पर थोड़ा जल्दी कीजिएगा। रैपिडो का जो कस्टमर केयर है ना, अभी हमारा कॉल होल्ड पे रखें और देखते हैं कि जांच करके क्या बता रहे हैं। मैं इसी नंबर से सारा जो स्लिप व्लिप है, मैसेज, इसी नंबर से उन लोगों के पास व्हाट्सअप किया था। जल्दी करो भाई, गाई 2 मिनट से ज्यादा हो गया, अभी भी कॉल होल्ड पे ही है। अरे भाई इतना टाइम कौन लगाता है, गाइस अभी भी जो मेरा कॉल है ना होल्ड पे ही है। इससे पहले भी मैं कॉल किया था, उस टाइम का वॉइस रिकॉर्डिंग है मेरे पास, उस टाइम भी इन्होंने 2 से 5 मिनट लगा दिया होल्ड पे ही। अभी देखते हैं कितने टाइम लगाते हैं। अरे रीजन ही आपको पता नहीं है, जो मैं स्लिप भेजा हूँ उस पर तो सारा कुछ मेंशन है। हाँ घटना हुआ है ना, वो पुलिस वाले के थ्रू ही हुआ है। पुलिस वाले सिविल ड्रेस में थे, राइड राइड बुक किया, राइड बुक करके बोले कि इस रास्ता से चलो, बीच उधर साइड में उन लोगों का जिप्सी लगा हुआ था, बता रहे थे कि इधर साइड में लगा लो, और साइड में लगवा कर फोन भी उनके पास ही था, सारा कुछ चेक कर रहे थे कि ये बंदा कौन कौन सा ऐप यूज कर रहा है, कौन कौन सा चला रहा है। उस टाइम पे वो कॉल नहीं कर पाया आप लोगों के पास, जो स्लिप पे सारा कुछ लिखा हुआ है, आप स्लिप क्यों नहीं चेक कर पा रहे हैं? हाँ। ये ऑलरेडी क्लोज दिखा रहा है, टिकट दोबारा आपका टिकट फिर से दोबारा करना पड़ेगा सर। अच्छा दोबारा से करना पड़ेगा, तो सर आप 1 मिनट लाइन पे रुके, मैं अभी सेंड कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से आप दोबारा से टिकट ट्रेस कर दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ आपके पास कॉल चला जाएगा, ठीक है? नहीं नहीं सर, आप अभी बता दीजिए ना, क्या वो पैसे रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, हाँ या ना बताइए। मैं अभी दो तीन बार ये कर चुका हूँ। क्या सर कब तक मिलेगा ये? लगभग पता है ये लगभग 10 दिन हो गया, 10 दिन हो गया। हाँ तो सर क्लोज दिखा रहा है, तो मैं अभी आपके पास सेंड कर देता हूँ। व्हाट्सएप पे सेंड करने में कितना टाइम लगेगा? हाँ जी चेक कीजिए, मैं अभी अभी आपको दोबारा से उसको फॉरवर्ड कर देता हूँ। सर इतना ज्यादा होल्ड पे, आप ऐसे ही चेक कर लीजिए ना। ठीक है सर, धन्यवाद सर।
जो अभी जो है ना, मैं दोबारा से होल्ड पे हूँ। ये बार बार कॉल होल्ड पे क्यों रख रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। इससे पहले भी मैं 2 बार कॉल किया था, उस टाइम पे मैं वीडियो नहीं बना रहा था, तो उस टाइम पे मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है। उस टाइम पे भी इन्होंने 5 से 10 मिनट होल्ड पे रख दिया, 2 बार होल्ड पे रख दिया, और बोल रहे हैं कि जो भी आपका यहाँ पे टिकट है ये रिजॉल्व हो गया है। आप लोगों को भी मैं दोबारा से जो चालान कटा था उसका स्लिप ये देख लीजिए और ये मैसेज देख लीजिए। और गाइस ये देख लो, मैं आपको लाइव कॉल रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि जो रैपिडो में चालान कटा था, क्या रैपिडो कंपनी पैसा रिफंड किया या नहीं किया। गाइस अभी तक कोई पैसा रिफंड नहीं किया, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, और जो मेरा दोस्त का जो चालान कटा था वो भी बात कर रहा है रैपिडो से। गाइस ये जो घटना हुआ था ना, ये आनंद विहार में हुआ था। मतलब पुलिस वाले ही राइड बुक करके और उन्होंने ही चालान काट दिया। सिविल ड्रेस में था, आनंद विहार के आसपास ये चालान कटा था, राइड बुक किया रैपिडो, और अपना बता रहे थे कि इधर से चलो जल्दी पहुंच जाएंगे। साइड में उनका जिप्सी वगैरह लगी हुई थी, बोले कि बेटे साइड में लगा दो, और साइड में लगा के बोले कि भाई अब आ जाओ इधर। उस वाले ने पूछने लगे कि क्या चलाते हो, सारा फोन उन चेक किया, उसके बाद 5 हजार का चालान काट दिया। बताइए। हेलो, हाँ हाँ बताइए ना, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, लो भाई बोल ही नहीं रहे ये, देखो। अरे बोलिए, कस्टमर कह रहे हैं ना नहीं बोल रहे हैं। टाइम देख लो कितने मिनट में बात किया, यहाँ पे 14 मिनट होने वाला है। हेलो हेलो, ये देखो आप बोलोगे या नहीं। हेलो हेलो, अब मैं फोन काट रहा हूं। ये जो कस्टमर कह रहे हैं ना कुछ नहीं बोल रहे हैं, देखो मैं आपके सामने फोन काट रहा हूं। मैं दोबारा से 1-2 बार और हेलो हेलो बोल लेता हूं। हेलो, हाँ जी सुन पा रहे हो क्या? हाँ जी सुन रहे हो? अभी भी ये नहीं बोल रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि ये पैसे रिफंड वगैरह करेंगे। तो गाइज मैं तो यही बोलूंगा कि आप लोग जो है ना, अगर चलाते हो तो थोड़ा हिसाब किताब से चलाओ। तो गाइज मैं तो यही बोलूंगा कि अभी आप लोग दिल्ली में मत चलाओ। अगर चलान वालान काटता है, कंपनी बोल रही है कि हम पैसा देंगे, लेकिन कंपनी कोई सुनवाई नहीं करेगी, कोई मदद नहीं करेगी, इसमें कोई आपका रिफंड नहीं देगी। हाँ जी सुन रहे हो? सुन रहे हो क्या गाइज? ये नहीं सुन रहे, मैं फोन को काट रहा हूँ, फोन कट गया। तो गाई अभी तक तो रेपिडो कोई मदद नहीं किया। मैं इस पे बात करता रहूंगा, देखता हूँ कि इनका फाइनल डिसीजन क्या आता है, क्या ये रिफंड करते हैं या नहीं करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।